तो आज स्क्रीन पे एप्लीकेशन देख सकते हो, इसमें क्या क्या नहीं है पूछो एक बार। नया एप्लीकेशन है, बहुत कुछ फीचर आपको मिल जाएगा, स्टार्ट डिलीवरी स्लैग और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे सेंसिटिविटी, हेडशॉट, मूवमेंट स्पीड सब कुछ गाइस। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, मैं जो भी बोलूंगा उसको समझना है। और यहाँ से आपको देख सकते हैं FF Max एंड FF Normal दोनों ही आप खेल पाओगे। लेकिन अभी आपको इसको डाउनलोड कैसे किया जाता है वो भी दिखा दूंगा, इसका सेटिंग क्या है नहीं है सब बता दूंगा। डाउट जो आता है ना सभी का मन में आता है, आना ये जरूरी है क्योंकि हर एक का आईडी से हर एक को प्यार होता है, क्योंकि उसका आईडी उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। तो इसमें बताया तो देखो आईडी से किसी का खिलवाड़ नहीं करता हूं मैं, लेकिन ये प्ले स्टोर का एप्लीकेशन है, लीगल एप्लीकेशन है, इससे आपका आईडी कभी बैन नहीं होगा। फिर भी गाइस आपको रिस्क नहीं लेना है, आपको एक बार जरूर से गेस्ट आईडी में ट्राई कर लेना है। मेरे को अच्छे से बताया कि इसको यूज करने से आपका आईडी बैन नहीं होगा क्योंकि मैंने ट्राई कर रखा है, तो उसके बाद ही आपको बता रहा हूँ। फिर भी गाइस आप लोगों का आईडी कैसे बैन हो जाता है मेरे को पता नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ जिसका भी आईडी का प्रॉब्लम है एंड कोई भी अगर डर रहता है पहले अपना गेस्ट आईडी में ट्राई कर लेना, उसके बाद अपना मेन आईडी पे भी ट्राई करना। नंबर टू, ऐसे एप्लीकेशन कितना दिन काम करेगा? देखो इसमें बताता हूँ कि एक एप्लीकेशन आपका जिंदगी में नहीं चलने वाला है क्योंकि कुछ अपडेट आते रहता है, कुछ ज्यादा से ज्यादा 6-7 दिन चलता है उसके बाद अच्छा से हेडशॉट नहीं लगता है। तो आपको क्या करना है मैं वही बता दूंगा। नंबर तीन गाइस, कौन कौन सा डिवाइस पे सपोर्टेड है एंड वर्क कर रहा है? मैंने बहुत सारे डिवाइस पे ट्राई कर रखा है तो ज्यादा से ज्यादा डिवाइस पे ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कुछ कुछ डिवाइस पे जो है थोड़ा बहुत मतलब नहीं लग रहा है। तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आप ट्राई करो एंड थोड़ा बहुत ट्रिक भी अप्लाई कर लेना, आपका हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट बात गाइस, ये एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका डिवाइस लो एंड डिवाइस है ना, तो उस पर बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेगा क्योंकि इसमें बहुत सारा जो है लैग का ऑप्शन दिया गया है जो कि आपका डिवाइस पे लैग फ्री रखेगा, तो अच्छा से आपका हेडशॉट जरूर लगेगा। तो एप्लीकेशन का चलो डाउनलोड करके पूरा सेटिंग दिखा देगा। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट भाई लोग, देखो अगर चैनल पर आप नए हो ना प्लीज सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। सर्च करना है जो मैं सर्च करूंगा सही से सर्च करना, देख लो अगर आपको नहीं आ रहा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लेना। देख सकते हो यहां पे आपको सर्च करना है फ्री फायर हेडशॉट एप्स, ठीक है? देन यहां आपको बहुत सारे एप्लीकेशन दिख जाएगा, मैं जो वाला बताऊंगा वो आप डाउनलोड करना, उसी का मैं सेटिंग दिखा रहा हूं यहां पर, ठीक है? यहां पे चार नंबर पे देख सकते हो इसका लोगो वगैरह देख लो, जो मैं अभी डाउनलोड करूंगा उसी का आपको डाउनलोड करना है। देख सकते हो ये एप्लीकेशन है, इसका कुछ 12 MB जैसे साइज है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये जब तक डाउनलोड हो रहा है ना मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो ये एप्लीकेशन का एक बुरा बात है कि जो बहुत सारा ऐड चलता है, तो फ्री का एप्लीकेशन है तो थोड़ा बहुत ऐड चलेगा तो एडजस्ट कर लेना, आई मीन थोड़ा बहुत रुक जाना, फिर स्किप का ऑप्शन आएगा स्किप कर लेना, उसके बाद ही सेटिंग करना। चलो इसको अभी ओपन करते हैं, ओपन करके वो सेटिंग बताते हैं। जैसे इसको ओपन करवाना तो इसका इंटरफेस कुछ ऐसा आएगा। देन यहां पे सबसे पहले देखो ऊपर वाला ऑप्शन है, उस पर टैप करना हेडशॉट बूस्टर करके, देन उस पर टैप करने का यहां ऐड चलेगा, मैं पहले बता दिया था वही ऐड चलेगा, तो थोड़ा बहुत रुकना है, रुकने के बाद ऐड को स्किप करने का ऑप्शन आ जाएगा तो स्किप कर लेना, थोड़ी देर आपको रुकना है नहीं तो आपका ऐड जो है कटिंग नहीं होगा, मतलब कटेगा नहीं, तो आपको थोड़ी देर होल्ड करना है। सो यहां से आपका सारा सेटिंग खुल गया। तो आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना है, जो भी बोल रहा है कि मेरा आईडी बैन हो रहा है, तो गाइस यहां पर ये जो रेगुलेट मोबाइल दिख रहा है ना उसको आपको ऑन नहीं करना है, जिसका भी आईडी बैन हो रहा है, ठीक है? तो आप स्किप कर देना, बंद रखना, ठीक है? उसको ऑन मत करना। उसके बाद यहां पर जो और सेटिंग है वो सब ऑन कर लेना आप। नीचे यहां सेंसिटिविटी का ऑप्शन है उसको ऑन कर लेना। फिर यहां पर स्क्रीन सेंसिटिविटी देख सकते हो, यहां पर स्लो एंड क्विक दोनों का ऑप्शन है, आपका स्क्रीन का जो सेंसिटिविटी बहुत फास्ट होगा यहां पर आप क्विक कर लेना। उसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद यहां पर आपको दिख जाएगा क्विक स्टार्ट, जिस पर आप टैप करोगे ना तो आपका गेम अगर जैसे आप बैक से हटाते हो जो लो एंड डिवाइस है ना उस पर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो यहां पर अगर इसको आप ऑन करोगे तो आपका गेम जो बहुत जल्दी जल्दी ऑन होगा ऑफ होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद यहां पर नीचे आपको दिया जाता है रिड्यूस लैग, अगर आपका डिवाइस लैग वैक होता है लो एंड डिवाइस है तो यहां पर आप रिड्यूस लैग को भी ऑन कर लेना। उसके बाद यहां सेव बैटरी करके, अगर आपका डिवाइस में बैटरी चार्ज बहुत खत्म हो जाता है उसको भी ऑन कर लेना। एक बूस्टर जैसा है बहुत ज्यादा हेल्प होगा आपका, जरूर जरूर से ऑन करना। फिर यहां पर बूस्टर FPS देख सकते हो उसको भी ऑन कर लेना। फिर यहां पर 3D फास्ट रन जो है उसको भी ऑन कर लेना, क्योंकि आपका टर्निंग प्रॉब्लम होता है तो उसको जरूर से ऑन कर लेना। यहां पर इसे नीचे आपको क्लियर मेमोरी भी दिख जाएगा, अगर आपका डिवाइस में ऑटोमेटिक ऑप्टिमाइज होता रहेगा तो गेम प्ले स्मूथ चलेगा, तो उसको ऑन कर लेना। फिर यहां पर इंप्रूव इंटरनेट गाइस, ये बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। यहां नीचे जो भी सेटिंग है सबको ऑन कर लेना है, मैक्रो और यहां सेंसिटिविटी और यहां आईफोन सेंसिटिविटी जो भी है सारा का सारा सेंसिटिविटी को आपको ऑन कर लेना है। आपका गेम प्ले इतना स्मूथ चलेगा ना गाइस, सिर्फ हेडशॉट लगेगा, क्योंकि आपको पता है फ्री फायर जो है सेंसिटिविटी का खेल है, तो सेंसिटिविटी अच्छा रहने से हेडशॉट भी लगेगा। तो यहां कोना का ऑप्शन दिख रहा है गाइस, उस पर टैप करने से यहां पर आपका FF Max या FF Normal जो भी है आपका दोनों का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपका मोबाइल पे जो भी है उस पर टैप करना, आपको यहीं से गेम को ओपन करके गेम खेलना है, आपका देखना हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना वीडियो।